जय सियाराम। प्रेस्टीज का आज हमारे पास एक मिक्सर है जो कि हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया हुआ था। प्रेस्टीज का है, आप आगे के साइड से देख सकते हो। और इसका मैंने पूरा का पूरा बॉडी खोल रखा है। हालांकि जनरली आप लोग ज़्यादातर जानते हैं कि फील्ड कॉइल मॉइस्चराइज हो जाती है, जिसके कारण से भी आपकी मिक्सर ग्राइंडिंग नहीं चलती है, या आपका इस तरह का जो एक डीपीटीटी इसको ओवरलोड स्विच बोली जाती है, या अगर ये स्विच भी ख़राब रहती है तो फिर आपकी ये मिक्सर ग्राइंडर नहीं चलती है। वायर ख़राब होने के बावजूद भी नहीं चलती है। तो इस तरह से अगर मैं दबे आपने सभी के सभी पार्ट्स को चेक कर लिया हुआ है, फिर भी अगर आपकी मिक्सर ग्राइंडर नहीं चल रही है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादातर चांसेस आपका फील्ड कॉइल का होता है। तो मैंने इसका फील्ड कॉइल जब चेकआउट किया तो फिर हमको ये फील्ड कॉइल डेड मिली, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम वायर से बैंडिंग की गई रहती है, जो कि हमको खुल के रिपेयर होने में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फील्ड कॉइल टोटली चेंज करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो मिक्सर ग्राइंडर का फील्ड कॉइल चेंज करना, तो आप हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आपको अच्छे खासी नॉलेज मिलने वाली है। सर्वप्रथम तो एक बात करो, तो फील्ड कॉइल निकालने के लिए आपको दो तरह की, एक यहाँ पर भी नट देखने को मिल जाती है और एक यहाँ पर भी नट देखने को मिल जाती है। तो इस दोनों नट को अच्छे ढंग से रिमूव इसमें से कर लेना होगा, जिससे कि आप फील्ड कॉइल को बाहर के साइड ले सकते हो। फील्ड कॉइल हमारा मतलब खोल के कार्बन निकाल लेनी होगी, ताकि अगर आप ऐसे कार्बन सेट ही निकाल देते हो तो फिर आपकी मशीन जो है, आपकी आर्मेचर भी ख़राब हो सकती है। इसके नीचे एक बैरिंग लगाई रहती है, एक बल्ब। इस बल्ब को आपको बचा करके संभाल करके निकाल लेनी होगी, ताकि अगर आपकी बल्ब नहीं निकाल पाते हो तो फिर आपकी आर्मेचर जो होगी वो आपका काम नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाती है आपकी आर्मेचर कुछ इसकी, आप देख सकते हो ये आर्मेचर हमारी सिंगल पीस बच गई। अब हमारे आर्मेचर का कोई काम नहीं है, इसलिए हम आर्मेचर को छोड़ते हैं। बात आती है फील्ड कॉइल का, तो फील्ड कॉइल आप देख सकते हो इसका मतलब पानी वानी जाने के कारण से, पानी वगैरह, जिसके कारण से ये फील्ड कॉइल है थोड़ा सा डैमेज टाइप हो गया है। चलिए सर्वप्रथम तो हम इसको मतलब रिपेयर करने की कोशिश की। फील्ड कॉइल में अभी कहीं से भी जली हुई नहीं दिख रही है, बस मॉइस्चराइज दिख रहा है। तो उस सिचुएशन में जितने भी इसकी लेग वायर बची है ना, जैसे ऐसे लेग वायर, ये सारे के सारे को फिर से छोड़िए, मतलब खोलिए और फिर से सोल्डिंग मारिए और फिर से इसको जोड़िए, कनेक्ट करके देखिए। हो सकता है कि फील्ड कॉइल फिर से वापस आ जाए, क्योंकि इसमें कहीं से भी जली हुई नहीं दिख रही है। इसलिए हमको पहले इसका पूरा लेग वायर इसको फ्रेश करके जोड़ना होगा, फिर टेस्ट करेंगे। फिर से अगर डेड निकली तो फिर इसको चेंज ही करेंगे। बट बाय द वे पहले चलिए ना इसको लेग वायर इसको प्रॉपर रूप से चेंज करते हैं और फिर से मिलते हैं, देखते हैं इसका टेस्टिंग पॉइंट क्या आता है। तो मैंने इसका पूरा का पूरा लीड वायर जैसे चेकआउट किया तो हमको ये लीड वायर सही मिले, क्योंकि ये किसी दुकानदार के पास से हमारे पास आया हुआ था बनने के लिए। तो हमने सर्वप्रथम कॉइल चेंज करने से पहले लीड वायर को टेस्ट किया, तो सारे के सारे लीड वायर हमने पास कर लिए हैं। कुछ लीड वायर टूटी हुई थी, जो कि हमने आप देख सकते हो पीछे के साइड से हमने लेकर के इसको अच्छे ढंग से कर लिया हुआ है। चलिए ना इसको बॉडी में हम डालते हैं और फिर से आपको टेस्ट बाय में इसको मतलब दिखा देता हूँ। आप देखो इसमें कितनी वायर जोड़ी गई हैं, आपको सारी की सारी वायरें आपको सही रूप से काम करेगी। चलिए इसको बॉडी फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी चलती है कि नहीं चलती है। नहीं चलेगी तो फील्ड कॉइल चेंज होगा, चल रही है तो फिर ठीक ही होगा। तो मेरे भाई मैंने सारा का सारा सेटअप कर लिया हुआ, इसका पूरा फिक्स कर लिया हुआ है, कार्बन और सब लग गई है। मतलब कस्टमर का और दुकानदार का टारगेट ये था कि इसका फील्ड कॉइल चेंज करना है, ताकि उनसे ये समझ नहीं आ पाई थी। हमने भी स्टार्टिंग में यही बता दिया था आपको कि हाँ इसकी फील्ड कॉइल चेंज करनी है, लेकिन जब मैंने इसको चेकआउट किया अपने ढंग से तो फिर हमको समझ में आई कि नहीं, इसकी फील्ड कॉइल की खराबी नहीं है, इसकी लूपिंग की खराबी है। तो आप देख सकते हो हमने इसमें सप्लाई दिया ऐसे देखना, और हमारी बगल से 100 वाट बल्ब ग्लो होगी, इसलिए इसका RPM आपको उतना साइड नहीं दिखा पाएंगे। जैसे देख सकते हो आप हमारी 100 वाट की बल्ब साइड से ग्लो होने लग रही है, बट ये चल रही है लेकिन उतनी स्पीड नहीं चल रही। तो अब इसको हम मेन देते हैं और देखना इसकी स्पीड। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने फील्ड कॉइल को बिना चेंज किए हुए इस मिक्सर को सही कर लिया हुआ है। अगर आपकी भी मिक्सर के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैकेनिक के पास जाते हो अगर बोलता है कि हाँ इसकी फील्ड कॉइल चेंज करनी पड़ेगी, तो आप इस वीडियो को अपने मतलब मिक्सर ग्राइंडर के साथ अप्लाई कर सकते हो, आपकी मिक्सर ग्राइंडर सही हो जाएगी। बट ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय सियाराम।